नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ टुडे। यह खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, खास करके अगर आप युवा हैं और नौकरी तलाश रहे हैं। सरकारी नौकरी पाना हर किसी युवा का सपना है। इस सपने को हरियाणा के 5 युवाओं ने साकार भी कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस रायबरेली में केंद्रीय डाक विभाग ने उन्हें पोस्टिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा, वहां के स्टाफ ने इनके हरियाणवी होने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया। 5 युवाओं में से 2 उकलाना विधानसभा के कंडूल गांव के निवासी हैं। हार कर ये युवा अब वापस लौट आए हैं और चयन के बावजूद नौकरी हाथ से जाने के कारण परेशान हैं। हरियाणा में विभिन्न पदों पर दूसरे राज्यों के युवाओं की भर्ती के कितने ही मामले सामने आ चुके हैं। बाहरी उम्मीदवार को देखकर आज भी एक बार हरियाणा के किसी भी भर्ती आयोग या फिर महकमे ने सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में 16 सितंबर को जो भी हुआ उसे हरियाणा के 5 युवा कभी भुला नहीं पाएंगे। हुआ यह कि इन 5 युवाओं का चयन केंद्रीय डाक विभाग में GDS के पद पर हुआ। इन्हें ज्वाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली भेजा गया। वहां पर मुख्य डाकघर में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, इसलिए ये 15 सितंबर को ही रायबरेली पहुंच गए और होटल में ठहर गए। 16 सितंबर को सुबह ये मुख्य डाकघर पहुंचे, वहां मौजूद किसी भी स्टाफ ने इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे ही पता चला कि ये हरियाणवी है, इन्हें तुरंत किसी अन्य डाकघर का पता बताते हुए वहां पर भेज दिया और कहा कि वहां इनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। बताई गई दूसरी जगह गए तो वहां पर इनसे कहा गया कि गलत जगह आए हो, वापस मुख्य डाकघर में जाओ, वहीं पर वेरिफिकेशन होगी। फिर से मुख्य डाकघर पहुंचे तो कर्मचारियों ने बताया कि आज तो छुट्टी है। उन्होंने पूछा कि 16 सितंबर आखिरी तारीख है, तो क्या नेक्स्ट वर्किंग डे पर इनकी वेरिफिकेशन होगी? तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया। यहीं पर रुककर उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी चयन होकर आए हैं उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन लगातार चल रही है। इस पर उन्होंने आवाज़ उठाई तो मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि कागजात फर्जी हैं। युवाओं ने अनुरोध किया कि उनका मेडिकल हिसार CMO से जारी हुआ है, वहां से वेरिफिकेशन करवा लो। मार्कशीट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से जारी हुई है, वहां से चेक करवा लीजिए। लेकिन इनकी किसी ने एक ना सुनी। युवाओं ने कहा कि उनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो लिख कर दे दीजिए, लेकिन मौजूद कर्मियों ने ऐसा भी नहीं किया। हार कर युवाओं ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, अपने साथ हो रही नाइंसाफी के बारे में पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस की गाड़ी भी आई, लेकिन उन्होंने एक बार तो युवाओं की बात सुनकर उनका पक्ष लिया, परंतु अगले ही पल वे भी डाक घर कर्मियों की भाषा बोलने लगे। इस बीच उकलाना हल्के के युवाओं ने अपने घर पर संपर्क किया और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री अनूप धानक से बात की। अनूप धानक ने रायबरेली बात करने की दिलासा दी, लेकिन इसके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। परिजनों का दावा है कि उन्होंने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी कॉल की, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। बाद में सांसद ब्रजेंद्र सिंह से इन्होंने बात की तो वहाँ से सोमवार को इस मामले का हल निकलवाने की कोशिश करने की बात कही गई। इस बीच रायबरेली में ही मौजूद किसी समझदार व्यक्ति ने परेशान युवाओं को कहा कि उत्तर प्रदेश निवासी ये कर्मी इन्हें यहाँ नौकरी ज्वाइन नहीं करने देंगे, अगर किसी तरह ज्वाइन करवा भी लिया तो भी कैदी बनाकर रखेंगे, खातों की कलेक्शन का काम सौंप देंगे, तुम सब कलेक्शन करके लाना, किसके खाते में क्या जमा करेंगे और किसके खाते में क्या जमा नहीं करेंगे यह भी उनके हाथ में रहेगा, ऐसे में पूरी जमा राशि करने की बजाय ये अपनी जेब भरेंगे और कभी मामला उठा तो तुम फ्रॉड का मामला दर्ज करवा कर फंसा दिए जाओगे। जिस पर खुद को ठका सा महसूस करते हुए ये 5 युवा वापस घर लौट आए। इस मामले में रविवार को पंचग्रामी की पंचायत हुई, जिसमें पाबड़ा कंडूल समेत कुंडू गोत्र के 5 गांव के सरपंच और अन्य मौजूद
लोग मौजूद रहे। उन्होंने पूरे प्रकरण की निंदा की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हस्तक्षेप करने की मांग की। पंचायत के बाद ये सब लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह को अपना मांग पत्र सौंपने के लिए रवाना हुए। सर वेरिफिकेशन के लिए आए हैं सर, कितनी देर में कर रहे हैं सर? अभी तो बोल रहे सर आप हमारा ये लिख के दे दो सर हमें कम से कम। सर सुबह से आए हुए हैं सर, हम 4 बजे आए हुए थे यहाँ पे। अब आप ये कब बोल रहे हो, ये कब बता दो, हमारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे फर्जी है? एक डॉक्यूमेंट तो बता दो, नाम बहुत सुंदर, नाम तो बता दो आपका। फिर सर आपने डॉक्यूमेंट फर्जी बताए हैं, लिख के दे दो आप। सर लिख के दे दो, पुलिस को कॉल कर लो सर आप। पुलिस को कॉल कर लो आप। अरे फिर आप फोन करो, बुलाओ तो। बुला लो सर, बुला लो सर। सर सुबह से आए हुए हैं सर हम। सर आज लास्ट डेट है सर 16 के, कब करोगे सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई? ये तो बता दो सर कम से कम। सुबह 4 बजे के आए हुए हैं सर हम, और इतनी दूर से आए हुए हैं सर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर नाम नाम तो बता दो सर। आप लिख के दे दो सर हमें। सर भैया का फॉर्म रिजेक्ट किसके किस वजह से किया सर? ये बता दो सर। आपने बोला कि डॉक्यूमेंट फर्जी है सर, एक बार नाम तो बताओ आपका। सर कुछ तो बोलो सर। सर आज लास्ट डेट है सर हमारे रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन की सर। आपको पता है कोई? हां जी सर, एक्चुअली सर क्या नाम है सर? आई एम सर दास। सर हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए हैं सर, फर्जी बोल गए। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसको करनी है सर, किसको करनी है सर? नाम बता दूंगा सर, नहीं पता सर। यहाँ पे कौन करता है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? सर आप यहाँ पे काम करते हो सर, एम्प्लॉय हो यहाँ पे आप? ठीक है सर।
चार बजे गए सुबह तो बता रहे थे आप जोगिंदर सुबह आपने बोला था सर छुट्टी है हाँ तो सर गवर्नमेंट का मैसेज आया हुआ 16 की लास्ट डेट है सर छुट्टी आज वेरिफिकेशन है सर लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये कर रहे हैं नहीं कर रहे सर जी बता रहा ये कर रहे डॉक्यूमेंट आपका हाँ जी हम तो आप लोगों को बता देंगे नहीं आपका डॉक्यूमेंट वायरल नहीं होगा बता जॉब के लिए आए हो सर आप जॉब के लिए आए हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं सर सर सुबह से आए हुए हैं सर हम भी कुछ बोल ही नहीं रहे सर